लेट्स गो, जय माता दी। पीछे पुलिस वाले ने रोक लिया, मेरा कैमरा बंद था, कैप्चर नहीं हो पाया वो। यार हिमानी, अगेन आई हैव टू गो 8 किलोमीटर्स बैक। अपन हौले हौले जाएंगे, आराम आराम से, मस्त। हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम चियांग राई। अभी मैंने आप लोगों को अपना हॉस्टल नहीं दिखाया है, ये वाला फ्लोर है जहाँ पे रूम्स और डॉम्स हैं। एक्चुअली डॉम्स है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टेयर्स है। दिस इज़ लाइक डाइनिंग एरिया, यहाँ पे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे आपको अपने बर्तन खुद जो भी यूज़ करते हो बना सकते हो यहाँ पे, और खुद वॉश करके वहाँ पे रखने होते हैं। और थोड़ा बहुत इन्होंने ऐसे कुकीज़, कॉफ़ी मटेरियल, यहाँ पे ब्रेड और फ्रिज में जो है फ्रूट्स वगैरह भी रखे रहते हैं, विच इज़ गुड। इफ़ यू लाइक टू हैव समथिंग यू कैन हैव। और देन फिर यहाँ पे एक स्टोरेज रूम है, दिस इज़ वॉशरूम फॉर मैन एंड दिस इज़ फॉर वेमेन, एंड देर इज़ अ डॉम। ये ऐसी स्पेस है, यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। देन देर इज़ अ डॉम जो कि मेरा रूम है, मैं यहाँ, ये वाला बेड मेरा है, बट लकीली यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, तो आई हैव अ रूम टू माई सेल्फ। बाय द वे मेरे कपड़े ऐसी इग्नोर कर दो, इसको थोड़ा लाइट वाइट बंद कर देते हैं। अभी कॉफ़ी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मौसम, यहाँ का मौसम इतना सुंदर होता रहता है ना। आह हा हा, पता नहीं आपको सामने इधर से पहाड़ देखो, जब से आई हूँ थोड़ी देर से बारिश शुरू हो गई है। 2 घंटे से वेट कर रही थी, चाय भी पी ली, सब कर लिया मैं, मुझे लगा हो रही है, होने तो यार, चलो थोड़ा सा चलते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा वॉक करते हैं, देखते हैं नेबरहुड तो देखें, एटलीस्ट कहीं समझ आया तो कहीं बैठ के कॉफ़ी पी लेंगे, एटलीस्ट बाहर तो निकले, इसलिए निकल गई हूँ। सो गाइज, आई जस्ट बुकड बाइक फ्रॉम द ग्रैब ऐप, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा, 3 मिनट में आ रहे हैं, 30 बात। Happy Bed Hotel. Happiness Hostel. Happy Bed Hotel. Yeah. Thank you.
अपने रूम में वापस आके फटाफट से चेंज कर लिया, क्योंकि बारिश ने यार पूरा ही ऐसे थोड़ा हल्का हल्का गीला कर दिया था। फालतू का जुकाम वुकाम लग जाए वो मैं चाहती नहीं थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे किचन भी है, कॉमन किचन, तो मैं सोच रही हूँ मैगी लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो भैया नॉन वेज मैगी मिलती है, तो मैं अपनी मैगी के पैकेट्स भी लेके आई हूँ। तो मैं मैगी बनाती हूँ, क्योंकि बारिश वाले मौसम में मैगी खाने का जो मज़ा होता है, आई हाय हाय, अमेजिंग, अति उत्तम होता है। तो लेट्स गो एंड मेक सम मैगी, और आराम से बैठ के मैगी खाएंगे इत्मीनान से। हाँ चलो जी, और बढ़िया शानदार मेरी मैगी बन रही है, बहुत सही है यार। देखो टोस्टर भी है, इंडक्शन है, कुछ कुकीज़ है खाने के लिए, देयर्स टी, कॉफ़ी, ऑल द कटलरीज भी चाहिए, फ्रिज है, दिस केटल, द वॉशिंग मशीन, ये सब होना चाहिए हॉस्टल में, इज नेसेसरी। जी अब बारिश में तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेते हैं, एक वीडियो यूट्यूब पे जाना है। बाय द वे मेरे यूट्यूब पे 30K सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ओ माय गॉड। मतलब मैं जब अभी ऐसे घूम रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 85,000 फॉलोवर हो गए एंड यूट्यूब पे 30,000, वी आर ग्रोइंग। यस, ये सब चीज़ें नंबर मैटर नहीं करते, मैं बोलती हूँ, पर यार मोटिवेशन मिलता है, यू नो, मोटिवेशन मिलता है जो आप काम कर रहे हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो अभी एडिटिंग मेरा सिसु वाला व्लॉग, तो ये फटाफट से करते हैं, बैठ के शांति से आराम से इसको एडिट करते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चियांग राई। तो या ये करते हैं। तो काम वाम करके एवरीथिंग इज़ डन नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे। मैंने डिनर भी नहीं किया, वो मैगी खाई, उसके बाद थोड़ा ऐसा चुटर पुटर खा लिया मैंने, कुछ कुछ घर से खाखरा वाखरा जो लेकर आई थी। अभी मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि आज सुबह मैं 5 बजे से उठी थी, कल रात को जाना है, सुबह फ्लाइट कैच करनी, इस चक्कर में मैंने अच्छे से मैं सोई भी नहीं। तो और मेरे इस डॉर्म में लकीली कोई भी नहीं है, मैं आई एम द वन ओनली वन, तो दिस इज़ द होल रूम फॉर माई सेल्फ। या डॉम का पे करके पूरा रूम आपका हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, राइट? सो आई एम गोना स्लीप नाउ, विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। मैंने रेंट के लिए बोल दिया है बाइक, और यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, 250 बात पे मुझे रेंट में बाइक मिल रही है फॉर अ डे, विच इज़ सस्ता। सुबह आएंगे तो उनसे और थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करूँगी। सो या सुबह मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी फ्रॉम चियांग राई, और दिस इज़ अ वेरी लवली मॉर्निंग। 9:30 टाइम हो रहा है सुबह का, और मैं ऑलरेडी हूँ मस्त, एकदम से तैयार वैयार हो गई हूँ। मेरा नाश्ता जो है मैंने बना लिया, मतलब यहाँ पे हॉस्टल में क्या है ना, सब चीज़ें आप ऐसे अपने आप से प्रिपेयर कर लो, तो देर इज़ ब्रेड पड़ी रहती है, टोस्टर है वहाँ पे, आप अपने से उसको टोस्ट कर सकते हो। अब बाहर यार फालतू का वैसे भी वेज खाना मिल नहीं रहा है, और जो मिलता है वो भी इतना महंगा होता है कि मतलब ऑब्वियसली आई डोंट लाइक। तो मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं, साथ में मैं इंडिया से लेकर आई थी अपने रेडी टू ईट वाले जो ब्रेकफास्ट होते हैं, लाइक उपमा, पोहा, ये सब लेकर आई थी मैं, वो मैंने बना लिया है। यस, बन रहा है अभी, इसमें ढक के रखा हुआ है गर्म पानी डाल के, तो वो बन जाता है। उसमें बढ़िया से भुजिया डालेंगे, भुजिया भी है मेरे पास, और मस्त नाश्ता करेंगे। ये है मेरी कॉफ़ी, तो या मस्त सब ब्रेकफास्ट करते हैं एंड इसके बाद हम निकलते हैं। मैंने स्कूटी रेंट की थी, वो आ गई है मेरी नीचे, चल के आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि क्या कैसा रेंट है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। या लेट्स बिगिन द डे। ये है भाई जी अपनी गाड़ी, इसमें आज हम घूमने वाले हैं।
भी अपना हेलमेट, इसमें रख देते हैं हम अपनी पानी की बॉटल, बाकी के छोटे मोटे सामान। 6638 है हमारी गाड़ी का नंबर। अभी इसमें ना मैं वो डलवा लेती हूँ पेट्रोल। तो जी ये मैप में पहली लोकेशन लगा ली है हमने, हम जा रहे हैं एक सेकेंड वाट रोंगखू वाइट टेम्पल है, बहुत ही सुंदर है, बेहद ही सुंदर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें, ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है, हम यहाँ जा रहे हैं। तो यस लेट्स गो, जय माता दी। चलो जी हर हर महादेव चलते हैं। बस सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलेंगे सो दैट की कोई तकलीफ ना आए। किलोमीटर्स सिग्नल में खड़े हुए हैं। हाँ रूल्स रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इंडिया में जैसे कि चल जाता है ना कुछ भी, इंडिया में कुछ भी चल जाता है, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पे जैसे कि आपने अगर कुछ गलत चलाया आपकी टिकट कटनी पक्की है भाई साहब। सही है सही है, अपन भी लेंगे वैसी गाड़ी, पहाड़ों में घर बस बना लेना है उसके बाद वैसी गाड़ी ले लेनी है, पीछे डाला सामान और निकल पड़े अपन। सागर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी फन होने वाली है। यो लड़की को एडवेंचर काफ़ी पसंद है, अपन हौले हौले जाएंगे आराम आराम से, मस्त 60 की स्पीड में चल रहे हैं, 50-60 की स्पीड में, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है अपने को, क्योंकि भैया अनजाने देश में आराम से ही चलना ठीक है। गलत जगह आ गई है, नहीं अच्छा ये वाली रोड में चलना है अपने को। गाइस एक बहुत बड़ा पचका होते होते रह गया मेरा, मैं अपना वॉलेट अपने हॉस्टल में ही भूल गई हूँ और बच गई मैं, क्योंकि मैं पेट्रोल डलवाने के लिए, बस यार मैंने सामने ही डलवा लेना चाहिए था ना, मैं गधी हूँ एक नंबर की गधी हूँ, मैं सामने ही डलवाती तो मुझे याद आ जाता कि मेरा वॉलेट छूट गया है। या यार हिमानी अगेन आई हैव टू गो 8 किलोमीटर्स बैक। अच्छा हुआ वो तो बच गए, पेट्रोल नहीं डाला उसने, अदर्स हिंदी गुजराती हिंदी बोल रही, इंग्लिश समझ नहीं रही थी वो, पैसे नहीं है बोलती तो चढ़ जाते फालतू को मेरे ऊपर, पता नहीं क्या 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 बोलते हे भगवान। पासपोर्ट वासपोर्ट रख के जाना पड़ता मुझे लग रहा है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जल्दी याद आ गया मुझे, सही हो गया, जाके खड़ी हो जाती टेम्पल में तो फिर पता चलता। देखो What happened? Full. Yeah, 180. Okay. चलिए जी सवारी फिर से निकल पड़ी है, पेट्रोल वेट्रोल सब भरा लिया, फुल करा लिया, बढ़िया टैंक, कहीं भी जा सकते हैं अपन। एक बात पे तो मैं बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए था। पीछे पुलिस वाले ने रोक लिया, मेरा कैमरा बंद था, कैप्चर नहीं हो पाया वो, और बोला कि वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड इंडिया, देन ही सेड कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, और अगर मैं वो वॉलेट मेरे पास नहीं होता और ये रोकते तो दिक्कत हो जाती, पर जो कि मेरे पास था ये वॉलेट में लेकर आई, तो अब मैंने उनको दिखा दिया एंड उसके पास बस उन्होंने नाम पूछा, क्रॉस चेक किया मास्क निकलवा के एंड बस फिर खुद ही बोलने लगा एंजॉय योर ट्रिप ये वो। तो देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, अगर आगे मुझे उधर कोई पुलिस पकड़ लेती, हट मेरा कैमरा क्यों ऑन नहीं था यार, आप लोगों को मज़ा आता, बड़ा स्वीट सा था वो बंदा, बस स्वीट था। ये ऐसा लग रहा है हम किसी अलग ही शहर में आ गए। सुंदर है यार चियांग राय, बहुत शांत, तो जैसा मुझे पसंद है ना, जैसी जगह है वैसा है ये टाउन, अच्छा है बहुत, क्यूट क्यूट से कैफेज़ हैं छोटे छोटे। ओह यस हियर वी आर पहुंच गए।
और हम आ गए हैं ब्लू टेंपल में। यार यहाँ के टेंपल्स इतने सुंदर हैं ना। यहाँ पे चलो, अच्छी बात है, कोई टिकट विकेट नहीं है यहाँ पे। चलो पहले अंदर चलते, ब्लेसिंग लेते। ये है ब्लू टेंपल, बेहद ही खूबसूरत, सब कुछ ब्लू है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमारी वो सेल्फ पोर्ट्रेट सीरीज चल रही है, मैं खुद ही पिक्चर क्लिक कर रही हूँ ट्राईपोड के सहारे सहारे। बाहर विलेज से भूख लग रही है, पर मेरे पास सिर्फ नट्स हैं। फ्लाइट में मिले थे आलमंड्स, लोग दारू के साथ चखना, मैं को अभी काम आ रहा है। लो ऑन एनर्जी क्योंकि बहुत चला, ये खाते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। हम बाहर जा रहे हैं और आते आते ना मैंने एक रास्ता, एक रोड देखी थी, वहाँ पे इतनी अच्छी पिक्चर्स आएगी ना, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ चलते हैं, पहले पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ से बाहर निकलते ही है वो रोड, उसके बाद फिर मैप में डालेंगे कि नेक्स्ट कहाँ जाना है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेट्स सी।